हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब आपको बताते हैं कि 122 दिन से चल रहे दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में आज का अपडेट क्या है। आज उत्तर प्रदेश में किन किन बड़े अपराधियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से अपराध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले मुख्तार अंसारी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को गिराने के बाद अब मुख्तार के 6 साथी समेत 25 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उन्नाव में शातिर अपराधी फैजल महमूद के घर की कुर्की कराने के लिए मुनादी कराई गई। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में अपराधी फैजल फरार चल रहा है। निवासी सिंगरौती के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई। प्रयागराज में अपराधी अतीक अहमद की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी गिराने के बाद प्रशासन अब बाहुबली नेता और विधायक विजय मिश्रा के घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जल्द बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुका है। एबीपी न्यूज का शो घंटी बजाओ इस पूरी मुहिम को दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान इसलिए कह रहा है क्योंकि लगातार 122 दिन से उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन बड़े से बड़े अपराधियों भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाकर क्रिमिनल की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक मानसिक ताकत को तोड़ने में जुटे हैं।